फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपने शायद इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आज तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, MBA में, स्कूल में, इंजीनियरिंग में। एक सब्जेक्ट हर जगह कॉमन रहा है, वो है इकोनॉमिक्स। मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था, मैंने स्कूल में भी पढ़ा, मैंने MBA में भी पढ़ा। पर मैं देखता हूँ दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है यार बहुत सारे लॉज हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसका कारण ये है कि इकोनॉमिक्स इस दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स को ऐसे समझेंगे जैसे मैं अब आपको समझाने वाला हूं, तो इकोनॉमिक्स से आप प्यार करने लगेंगे, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। मैं अगले 15 से 20 मिनट में आपके पूरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में, और आप कैसे उसको समझ सकते हो और कैसे हर चीज में इकोनॉमिक्स देख सकते हो। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। वैसे तो इसकी ऑरिजिनेशन हुई थी दोस्तों एक टर्म से जो कि था हाउस मैनेजमेंट, यानी कि घर को मैनेज आप कैसे करेंगे, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते थे। धीरे धीरे ये चेंज हो गया है, अब हम पैसे को कैसे मैनेज करेंगे उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो कोई भी वो चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन इसको मोटा मोटा दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है आपको समझा दें। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये कि एक बंदे का पैसा कैसे मैनेज हुआ उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपकी अपनी किसी भी एक इंडिविजुअल फैमिली की बात करूं, या फिर किसी भी एक छोटे बिजनेस की बात करूं, बिजनेस भी एक एंटिटी है, सिर्फ उस एंटिटी की बात करूं, तो उसका पैसा कैसे मैनेज होगा उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि वो माइक्रो नेचर में है, वो छोटा है नेचर में, वो एक एंटिटी की बात कर रहा है, या तो वो एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है या फिर वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इसीलिए इस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, डिमांड, सप्लाई और प्राइस। बस इतना ही पढ़ना है। दूसरे जो पार्ट है इकोनॉमिक्स की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जहां पे आप एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, यानी पर एक ग्रुप की बात करते हैं, बड़े ग्रुप की, जैसे कंट्री। तो कंट्री का पैसा कैसे मैनेज होता है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप ये समझेंगे कि कंट्री का पैसा कैसे मैनेज होता है, तो ही आप अपने पैसे को सही से मैनेज कर पाएंगे, और तभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन पाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपको समझना पड़ेगा माइक्रो। एक तरीके से अगर आप सोच के देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें 10 लोग रहते हैं, तो हर एक की अपनी इकोनॉमिक्स जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इन 10 लोगों की मिलके जो इकोनॉमिक्स बनेगी वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जिन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो होगा GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इन्फ्लेशन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डिफ्लेशन। डरिए मत, इन टर्म से बिल्कुल आराम से डिटेल में बताऊंगा, आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। एक और चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि पैसे को मैनेज कौन करता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो एक इंडिविजुअल मैनेज करता है, या फिर एक कंपनी का ओनर मैनेज करता है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करता है, तो वो तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन कंट्री का पैसा, क्योंकि इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पैसा, तो उसको कौन मैनेज करता है? उसको मैनेज करता है गवर्नमेंट, और उसको मैनेज करता है बैंक, और मेनली मैनेज करता है RBI बैंक। यानी कि RBI बैंक और गवर्नमेंट मिलके पैसा मैनेज करते हैं एक कंट्री का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पैसा कैसे मैनेज होता है वो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो ये है तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आगे कवर करने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पैसा कैसे मैनेज होता है मैक्रो। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। देखिए दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था हम तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि है डिमांड, सप्लाई और प्राइस। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड हैं। जैसे कि आपको पता होगा, डिमांड यानी कि किसी भी चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, सप्लाई यानी कि कितनी वो चीज बिक रही है, कितना कोई उसे बेचने के लिए आ रहा है, प्राइस यानी कि वो कितने पैसे पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और आप प्याज खरीद रहे हैं। मान लीजिए वहां पर 10 किलो प्याज अवेलेबल है, लेकिन आपको 20 किलो प्याज चाहिए। जो डिमांड है वो है 20 किलो प्याज की, लेकिन जो सप्लाई है वो है 10 किलो प्याज की। सप्लाई कितने की हुई? 10 की। डिमांड कितने की हुई? 20 की। अब देखिए दोस्तों, कि इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डिक्टेट करेंगे यहाँ पे। आपको सामान ज्यादा चाहिए, बिक रहा है कम, जो वो बेचने वाला व्यक्ति है वो पावरफुल हो जाएगा, आप जो होंगे वो लेस पावरफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा खरीदना था और उसको कम बेचना था। आप तो हो गए कम पावरफुल, वो हो गया ज्यादा पावरफुल।
क्योंकि जो सेलर है यहाँ पर वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो वो प्राइजेस है वो ज्यादा रख पाए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? क्योंकि सेलर के पास एडवांटेज है, इसीलिए वो अनियन के प्राइस या फिर प्याज के प्राइस बढ़ा पाएगा और वो आपको ज्यादा चार्ज कर पाएगा। ऐसे केस में, जिस केस में डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। यह है इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। इसी को उल्टा कर देते हैं। आप सामान खरीदने गए 10 किलो, लेकिन मार्केट में सामान अवेलेबल था 20 किलो। मान लीजिए और कोई नहीं है मार्केट में, आप ही सामान खरीदने गए हैं जो कि 10 किलो है आपकी रिक्वायरमेंट, और सामने सामान है बेचने के लिए 20 किलो। इस केस में क्या होगा दोस्तों? उसको पता है उसका 10 किलो सामान खराब जाने वाला है, तो आप पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं तो 10 किलो ही मांग रहा हूँ, इसके पास तो 20 रखा है। अगर ये उस प्राइस पर नहीं देगा जिस प्राइस पर मैं चाहता हूँ, तो इसका कुछ नहीं मिलेगा। इस प्राइस पर आप हो जाएंगे पावरफुल और आप प्राइस को कम कर देंगे और सस्ते में सामान खरीद पाएंगे। यही है दूसरा कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जब भी डिमांड जो है बेसिकली वो कम होगी और सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी, प्राइस कम हो जाएगा। समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को? डिमांड जब भी कम होगी और सप्लाई जब भी ज्यादा होगी, जो प्राइस होगा वो गिर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं, और इतना ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहां पे हम ये जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कंट्री का पैसा कैसे मैनेज होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक है सबसे पहले प्लैंड इकोनॉमिक्स, दूसरी है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, तीसरी है कैपिटल इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, प्लैंड इकोनॉमिक्स वैसी इकोनॉमिक्स होती है जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हर इंडस्ट्री गवर्नमेंट कंट्रोल करती होती, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती होती। यानी कि रेलवे जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वैसे ही मान लीजिए कि सारा टेली कम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती, सारी बैंक्स भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती, कपड़े की इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती। उस केस में क्या होता, कितनी मर्जी डिमांड होती, कितनी मर्जी सप्लाई होती, जो प्राइस होता गुड का वो गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड किया होता और उसी प्राइस पे सामान मिल रहा होता। जैसे जब आप रेलवे में ट्रेवल करते हैं, अगर 1000 रुपए की टिकट है तो 1000 रुपए की टिकट ही रहेगी, चाहे कितना मर्जी आप डिमांड बढ़ा लीजिए, कितना मर्जी सप्लाई कम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। शायद इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट जैसे मान लीजिए कोई भी चीज का जो प्राइस डिटरमाइन होता मार्केट में वो पहले से डिटरमाइन होता, उसका डिमांड सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केस में क्या होता, गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल होता, और उस टाइप के इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्लैंड इकोनॉमिक्स। अब आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। मिक्स्ड इकोनॉमी वो तरीका है जो इंडिया फॉलो करती है, जहाँ पे कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ पार्ट प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती है। जनरली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और कुछ पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट जो भी कंट्रोल करती है वहाँ पे प्राइजेस फिक्स्ड होते हैं, वहाँ पे डिमांड सप्लाई से प्राइजेस नहीं हो रहे होते डिटरमाइन। जितना भी सेक्टर प्राइवेट कंट्रोल कर रही होती है वहाँ पे कंपटीशन होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो आपस में कंपीट करती हैं। क्योंकि वो आपस में कंपीट करती हैं तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इस वजह से जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिटरमाइन होता है। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन हमारे इंडिया में प्राइवेट कंपनीज डिटरमाइन करती हैं, क्योंकि 10 कंपनी मोबाइल फोन बेच रही हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्राइस पर मोबाइल फोन को बेचने का। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मान लीजिए नोकिया, सैमसंग, एप्पल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो प्राइजेस जो होंगे वो इस तरीके से उनको रखने पड़ेंगे कि लोग जो है वो कंपटीशन के बेसिस पे सामान को खरीद पाए। तो ये फायदा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का कि जो लेस इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो कंपटीशन से डिटरमाइन हो जाते हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है, और वहां पर जो होता है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में डिमांड सप्लाई के बिना ही प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। अब है दोस्तों तीसरी इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत कम कंट्रीज आज के डेट में फॉलो कर रही है। इंडिया और भी जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो इसी तरफ मूव कर रहे होते हैं या फिर वो इसको अचीव कर पाते हैं, वो होता है कैपिटल इकोनॉमिक्स। कैपिटल इकोनॉमिक्स मतलब ये, जहाँ पर सब चीजें जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, हर चीज का जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल समझाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि कैसे डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई अगर कम होती है तो प्राइस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। डिमांड अगर कम होती है और सप्लाई अगर ज्यादा होती है तो प्राइस जो होता है क्या होता है, वो कम हो जाता है। इसी फिलॉसफी से अगर हर चीज का प्राइस डिटरमाइन होने लगे एक कंट्री के अंदर, इस टाइप की इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमिक्स। कैपिटल इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज ये है कि सब कुछ प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, वहां पर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, काफी सारी कंपनीज होती है, इस वजह से प्राइस जो होता है वो पूरा कॉम्पिटिशन डिसाइड करता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है GDP, दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन, तीसरा कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। देखिए दोस्तों GDP क्या होता है, GDP होता है एक कंट्री की कितनी इनकम है। जैसे आपकी इनकम होती है वैसी कंट्री की भी इनकम होती है।
यानी कि जिसको हम फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री प्लस द इनकम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि उस चीज की वैल्यू जितनी भी प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर हो रही है, जितनी भी सामान एक कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है या फिर जितनी भी सर्विसेज एक कंट्री के अंदर दी जा रही है, उन सबका सम कर दीजिए, जैसे मैंने बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका सम कर दीजिए, और इस सम को करने के बाद जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए, इस सबके टोटल को बोलते हैं एक कंट्री का जीडीपी। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, यानी कि हमें अपने जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर्स करना है। अब जैसे कि मैंने बताया, मैं 2 कॉन्सेप्ट को और बताने वाला हूँ, जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने MBA वाले वीडियो में, MBA इन 45 मिनट्स वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, पर मैं फिर भी इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में भी टच करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सीधे भाषा में कहा जाए तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, डिफ्लेशन होता है महंगाई सस्ता होना। इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं महंगाई। डिफ्लेशन होता है महंगाई कम हो जाना, यानी कि प्राइस सस्ता हो जाना। यानी कि जब भी प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब भी प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो उसको डिफ्लेशन। आपके लिए क्यों है इम्पोर्टेंट समझना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट समझना क्योंकि हर चीज जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं और जो भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो इसीलिए समझते हैं कि या तो हमें कंट्री में इन्फ्लेशन लाना होता है या फिर डिफ्लेशन लाना होता है। कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो एक कंट्री होती है उसका जो पैसा होता है वो 2 तरीके से मैनेज होता है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो फाइनेंस मिनिस्टर मैनेज करता है, यानी कि गवर्नमेंट मैनेज करता है। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर हम ये मेजरली डिफाइन करते हैं कि हमारी कंट्री जो होगी उसमें पूरे 1 साल में खर्चा कैसे होगा और हम कमाएंगे कैसे। गवर्नमेंट कैसे कमाती है, गवर्नमेंट कमाती है मेरे और आपके टैक्स देने से, और जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो कैसे करती है, जो हम टैक्स देते हैं उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। कहाँ कहाँ खर्चा करती है, रोड बनाने में खर्चा करती है, सब्सिडी देने में खर्चा करती है, अलग अलग पॉलिसीज में खर्चा करती है, रेलवेज में खर्चा करती है, डेवलपमेंट में खर्चा करती है, स्कूल बनाने में खर्चा करती है, ऐसे अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट खर्चा करती है। इसका पैसा कहाँ से आता है, इसका पैसा आता है मेरे और आपके टैक्स से। गवर्नमेंट खर्चा जो करती है वो आप समझ गए, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, मेरे और आपके टैक्स देने से होती है। तो कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी 1 साल में और कितनी गवर्नमेंट की इनकम होगी, वो सब डिटरमाइन करती है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट। वो बताती है कि कितना परसेंट टैक्स होगा, कितना परसेंट उनको पैसा मिलेगा। दूसरा जो पैसा कंट्रोल करता है वो करता है RBI। RBI को क्यों रिक्वायरमेंट हुई पैसा कंट्रोल करने की, RBI को इसलिए रिक्वायरमेंट हुई पैसा कंट्रोल करने की क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स है एक कंट्री की, वो किसी न किसी एक ना एक स्थिति में होती है। स्थिति यानी कि 3 स्थिति पॉसिबल है, या तो महंगाई बहुत बढ़ रही होगी, या फिर महंगाई बहुत कम हो रही होगी, या फिर स्टैग्नेंट होगा, ना तो महंगाई बढ़ रही होगी ना फिर महंगाई बहुत कम हो रही होगी। देखिए तीनों केसेस में RBI को आना पड़ता है और इसको चेंज करना पड़ता है। क्यों, मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ रही है तो जब महंगाई बहुत बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जीना। उस केस में RBI को ऐसा रोल प्ले करना पड़ता है कि वो महंगाई को कम कर पाए। वो कैसे करता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, और वही इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। जब महंगाई बहुत कम हो रही होगी तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, हर आदमी सामान खरीदने जाएगा, सप्लाई इतनी होगी नहीं तो मार्केट में क्या होगा, कमी हो जाएगी सामान की। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन एक कंट्री जो है वो 100 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करती है। अगर महंगाई बहुत बढ़ गई तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो मोबाइल फोन खरीद सके। उस केस में क्या होगा, जो सेलर्स होंगे वो नुकसान में आ जाएंगे, उनका जो मोबाइल फोन है वो खराब जाएंगे, कोई खरीद नहीं रहा होगा। जो बायर है वो भी नुकसान में आ जाएगा, वो खरीदना चाह रहा होगा लेकिन इतना महंगा मोबाइल फोन हो चुका होगा कि वो खरीद नहीं पा रहा होगा। इसका उल्टा सिनेरियो है कि अगर मान लीजिए 100 मोबाइल फोन है और महंगाई दर बहुत कम हो गया तो हर आदमी मोबाइल फोन खरीदने जा रहा होगा, तो 100 मोबाइल फोन खत्म हो जाएंगे और मार्केट में क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो दोनों केसेस जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, उसको चेंज करना जरूरी है। तीसरा जो केस है, जो स्टैग्नेंट फेज है, वो भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक कंट्री है जिसमें 100 ही लोग हैं बेचने वाले और 100 ही लोग हैं खरीदने वाले, यानी कि 100 ही मोबाइल बिक रहे हैं और 100 ही लोग हैं खरीदने वाले। उस केस में क्या होगा, कंट्री है जो इंडिया है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी क्योंकि 100 ही हमेशा डिमांड रहेगी, 100 ही हमेशा सप्लाई रहेगी, कोई ग्रोथ होगी नहीं। इसीलिए एक कंट्री की जो आइडल सिनेरियो है वो ये है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी होनी चाहिए, महंगाई दर थोड़ा सा होना चाहिए। उस केस में क्या होता है, थोड़ी 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 धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब महंगाई एकदम बढ़ जाए, प्रॉब्लम तब होती है जब महंगाई एकदम कम हो जाए। अगर थोड़ा 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 महंगाई बढ़ती रहे तो उसको ग्रोथ का साइन माना जाता है और वो एक अच्छा साइन होता है।
देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में अच्छा बनने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर एक कंट्री में महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, या फिर महंगाई एकदम से कम हो रही है यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है, तो उस केस में कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आरबीआई के पास ये कंट्रोल करने के लिए चार हथियार है, चार हथियार से आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है। उन चारों हथियार को अगर आप समझ लेते हैं तो आप पूरी इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ लेंगे। इसमें जो पहला हथियार है उसको हम बोलते हैं सीआरआर, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा जो हथियार है उसको बोलते हैं एसएलआर, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। तीसरा जो हथियार है वो है रेपो रेट। चौथा जो हथियार है वो है रिवर्स रेपो। अब मैं इन चारों कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए सीआरआर का मतलब ये होता है सिंपल टर्म्स में कि जो आरबीआई है उसने मैंडेट रखा हुआ है हर एक बैंक को ये मैंडेट दिया हुआ है कि तुम्हें अपने टोटल पैसे का कुछ पैसा मेरे को हमेशा दे के रखना। मान लीजिए एक प्राइवेट बैंक या फिर एक गवर्नमेंट बैंक, मान लीजिए पीएनबी है, उसके पास टोटल जो पैसा है वो 100 रुपए। सीआरआर का मतलब ये हुआ कि आरबीआई ये बोलता है इन बैंकों कि आपको अपना 1%, मान लीजिए 10% पैसा हमेशा मुझे दे के रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए मेरे पास हमेशा पड़े रहे, इसको बोलते हैं सीआरआर। इससे कैसे महंगाई मैनेज होती है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री की महंगाई बहुत बढ़ गई। जब एक कंट्री की महंगाई बहुत बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के हाथ में पैसा कम है और सामान जो है वो महंगा हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ना क्या होता है, मान लीजिए एक चीज 100 रुपए की मिलने लग गई लेकिन आपके पास जेब में 80 रुपए है, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो ऐसा सिनेरियो, जिस सिनेरियो में लोगों के हाथ में कम पैसा है और महंगाई बढ़ी हुई है, तो महंगाई कम कैसे की जा सकती है? महंगाई कम ऐसे की जा सकती है कि लोगों के हाथ में पैसा दे दिया जाए। लोगों के हाथ में पैसा कौन देता है? लोगों के हाथ में पैसा देता है बैंक। तो महंगाई कम करने के लिए अगर एक बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा पैसा दे पाएगा लोगों को। लेकिन अगर आरबीआई ये बोलने लगे कि भाई पहले तुम 100 रुपए में से 10 रुपए मेरे पास रखवाते थे, अब तुम 100 रुपए में से 40 रुपए मेरे पास रखवाओगे, यानी कि पहले जो सीआरआर था वो 10% था, अब वो 40% होगा, तो पहले जिस बैंक के पास 90 रुपए थे आपको देने के लिए, अब उसके पास 60 रुपए बचेंगे आपको देने के लिए। क्योंकि उसके पास 60 रुपए ही बचेंगे आपको देने के लिए तो आपको कम पैसा दे पाएगा। क्योंकि वो आपको कम पैसा दे पाएगा, इस चक्कर में क्या होगा, आप मार्केट में कम खर्च कर पाएंगे। क्योंकि आप कम खर्च कर पाएंगे तो महंगाई कभी कम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए ये जो सीआरआर था ये पहले 40% था, अब इसको घटा के जो है आरबीआई 10% कर देता है, यानी कि बैंक के पास पहले 60 रुपए थे जो वो आपको दे सकती थी एज अ लोन, लेकिन अब वो आपको जो है लोन दे पाएगी 90 रुपए, क्योंकि सिर्फ 10% ही सीआरआर रह पाया। लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, जब लोगों के पास हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, जब वो ज्यादा खर्चा कर पाएंगे तो जो इन्फ्लेशन होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर पहले चीज 100 रुपए की बिकती थी और आपके पास 80 रुपए ही होते थे, लेकिन आज बैंक से लोन लेने के पास आपके पास 100 रुपए होने लग गए या फिर 110 रुपए होने लग गए, तो जो 100 रुपए की चीज पहले आपको इतनी महंगी लगती थी क्योंकि आपके पास 80 रुपए ही थे, अब जब आपके पास 110 रुपए होगा तो आपको वो चीज महंगी नहीं लगेगी। अगर वो महंगी नहीं लगेगी तो आप उसे खरीद पाएंगे, अगर खरीद पाएंगे तो इन्फ्लेशन जो पहले जिसको हम बोलते थे कि महंगाई है, वो महंगाई नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये जानिए कि महंगाई का मतलब ये नहीं है कि चीज 100 रुपए की मिलती है, महंगाई का मतलब ये है कि जब चीज 100 रुपए की मिलती है तो आपके पास 100 रुपए नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपए से ज्यादा रुपए होने लग जाएंगे तो 100 रुपए आपको महंगा नहीं लगेगा, और महंगाई जो होगी वो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो कम हो जाएगी, भले प्राइसेस सेम रहे लेकिन महंगाई जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा जो हथियार है वो है एसएलआर। क्या होता है? आरबीआई ये बोलता है हर बैंक को कि आपको अपने पास हमेशा एक अमाउंट मेंटेन करके रखना है, आप अपना सारा पैसा लोगों को लोन में नहीं दे सकते। कुछ पैसा आपको मेरे को देके रखना है जो कि सीआरआर है, कुछ पैसा आपको अपने पास होल्ड करके रखना है जो कि एसएलआर है। अगर आरबीआई बैंक को ये बोले कि एसएलआर ज्यादा है यानी कि आपको ज्यादा पैसा होल्ड करके रखना है, उस केस में क्या होगा, बैंक जो होगा वो लोगों को लोन कम दे पाएगा। अगर लोन लोगों को कम दे पाएगा उस केस में क्या होगा, लोग कम खर्चा कर पाएंगे, अगर लोग कम खर्चा कर पाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यानी कि अगर बैंक को इन्फ्लेशन बढ़ानी है तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो एसएलआर को बढ़ा देंगे। अगर आरबीआई एसएलआर कम कर दे यानी कि वो ये बोले कि तुम्हें अपने पास कम पैसा रखना है, तुम लोगों को ज्यादा पैसा दे सकते हो, उस केस में क्या होगा, लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, और लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे तो उसके इसमें क्या होगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यानी कि अगर आरबीआई एसएलआर को कम कर दे उसके इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो आप समझ गए दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में
अगर CRR कम हो जाती है तो भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, अगर SLR कम हो जाती है तो भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है कंट्रोल करने का वो है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस रेट पे RBI बैंक को पैसा देती है। देखिए RBI के पास ही सारा पैसा है, वो ही सारे बैंक को पैसा दे रही है। अगर मान लीजिए RBI ये कहती है कि मैं तुमको 8% इंटरेस्ट पे पैसा दूंगी, तो रेपो रेट जो है वो 8%। अब ऐसे सोच के देखिए इसको कि जितना ये कम होगा बैंक उतना ज्यादा पैसा ले लेगी RBI से। मतलब मान लीजिए RBI ये बोले कि रेपो रेट 2% है, इसका मतलब सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे बैंक जो है वो RBI से पैसा ले सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं, अगर RBI ये चाहती है कि इकोनॉमी में खूब सारा पैसा डले, पैसा डलने से क्या होगा अब तक आप समझ गए होंगे, जितना ज्यादा इकोनॉमी में पैसा डलेगा उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा उतनी इन्फ्लेशन कम होगी। अगर तो RBI ये चाहती है कि खूब सारा पैसा लोगों के हाथ में गिरे, तो वो सस्ते में बैंक को पैसा देने लग जाएगी, यानी कि रेपो रेट को कम कर देगी। अगर वो रेपो रेट को कम कर देगी तो बैंक के पास खूब सारा पैसा आएगा, बैंक खूब सारा पैसा लोगों को दे पाएगा, खूब सारा पैसा दे पाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर रेपो रेट गिरता है तो इन्फ्लेशन गिर जाएगी। चौथा जो तरीका है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि जब RBI को पैसे की दोबारा जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से पैसा वापस लोन लेती है। जब वो किसी भी बैंक से पैसा लोन लेती है तो उस केस में वो क्या करती है, एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन करती है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पे एक बैंक RBI को पैसा देगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। देखिए दोस्तों इसको भी समझ के देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा क्या होगा, बैंक जो होगा वो RBI को पैसा देना चाहेगा। क्यों? मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट 10%, इसका मतलब 10% इंटरेस्ट पे RBI बैंक से पैसा ले रही है। अगर बैंक से RBI 10% इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है तो बैंक तो खूब सारा पैसा RBI को देना चाहिए। अगर बैंक खूब सारा पैसा RBI को दे देगा इसका मतलब लोगों को देने के लिए कम पैसा बचेगा। अगर लोगों को देने के लिए कम पैसा बचेगा मतलब लोगों की जेब में कम पैसा होगा। अगर लोगों के हाथ में कम पैसा होगा इसका मतलब वो सामान को नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो सामान को नहीं खरीद पाएंगे इसका मतलब जो इन्फ्लेशन होगी वो हमेशा बढ़ी रहेगी, यानी कि महंगाई दर हमेशा ज्यादा रहेगा। महंगाई क्या होता है, महंगाई यही होती है ना कि हम सामान को नहीं खरीद पाते, सामान को नहीं खरीद पा रहे क्योंकि बैंक हमें पैसा ही नहीं दे रहा, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ी रहेगी। अब इसका उल्टा सोच के देखते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए RBI कम कर देता है, मान लीजिए 10% से 5% कर देता है, इसका मतलब बैंक ही सोचेगा यार मुझे तो RBI से पैसा ज्यादा मिल नहीं रहा। अगर RBI से बैंक को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा तो वो ज्यादा पैसा किसको देगा, वो ज्यादा पैसा लोगों को देगा। अगर वो लोगों को ज्यादा पैसा देगा मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग खूब खर्चा करना चाहेंगे, जब लोग खूब खर्चा करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगाई दर अपने आप कम हो जाएगी। भाई मेरे हाथ में पहले मोबाइल 100 रुपए का मिल रहा था, मेरे पास 80 रुपए थे, आज मेरे पास 110 रुपए है। जब मेरे पास 110 रुपए है, आपके पास 110 रुपए है, सबके पास 110 रुपए है, तो सब लोग पैसा सब लोग खर्चा करने जाएंगे। जब हम ज्यादा सामान को खरीद पाते हैं, सामान को आराम से खरीद पाते हैं तो उसी को तो बोलते हैं ना कि महंगाई दर कम है। अगर चीज महंगी है तो मुश्किल से खरीद पाते हैं, अगर चीज सस्ती है तो आराम से खरीद पाते हैं। तो हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो हम सामान को आराम से खरीद पाएंगे, इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट और बैंक मिलके एक कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करता है कि उसको पैसा कहाँ से कमाना है और कितना कमाना है और कितना खर्च करना है। RBI कंट्रोल करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी होगी, यानी कि कितना पैसा फेंक के रखना है। जैसे कि आप अब तक समझ गए होंगे, अगर RBI ज्यादा पैसा फेंक के रखता है इसका मतलब इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, अगर RBI कम पैसा फेंक के रखता है यानी कि लोगों के हाथ में कम पैसा दे के रखता है यानी कि चीजों को महंगा बनाना चाहता है यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन जो है हमेशा थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, ज्यादा ना बढ़े, ताकि उस कंट्री की ग्रोथ। तो दोस्तों यही थी पूरी इकोनॉमिक्स, मैं सम अप कर देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। जैसे कि हमने जाना कि रिसोर्सेज हमेशा स्केयर्स रहते हैं, आपकी वॉन्ट्स हमेशा बहुत ज्यादा होती है, कैसे आप स्केयर्स रिसोर्स से वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट थे, एक था माइक्रो एक था मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक पर्सन की स्टडी या फिर एक कंपनी की स्टडी इकोनॉमिक्स की, मैक्रो मतलब एक कंट्री की इकोनॉमिक्स की स्टडी। माइक्रो में मैंने बताया आपको 3 कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई और प्राइस। मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है, फिर भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई मार्केट में कम होती है, यानी कि मैंने आपको ऑनियन वाले एग्जांपल से समझाया था, उस केस में क्या होता है उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है
क्योंकि सप्लाई तो कम है, डिमांड ज्यादा है, यानी कि खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, तो बेचने वाला जो है पावरफुल हो जाता है और प्राइस बढ़ा देता है। इसका बिल्कुल उल्टा सिनेरियो, जिस केस में डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा, यानी कि बेचने वाला ज्यादा है खरीदने वाले कम है, तो खरीदने वालों को पावर ज्यादा मिल जाती है, बेचने वालों को नुकसान हो जाता है और उन्हें सस्ते में बेचना पड़ता है और प्राइस कम हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स तीन पार्ट की होती है, प्लांट इकोनॉमिक्स, मिक्स इकोनॉमिक्स, कैपिटल। प्लांट इकोनॉमिक्स जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, प्राइस जो होता है वो डिमांड और सप्लाई से नहीं कंट्रोल होता। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जहाँ पे कि कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ पार्ट जो कि प्राइवेट कंपनीज डिटरमाइन करती है, यानी कि कॉम्पिटिशन डिटरमाइन करता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। कैपिटल इकोनॉमिक्स जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही डिटरमाइन करती है प्राइस, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस डिटरमाइन होता है। फिर मैंने आपको बताया वो भी एक कंट्री के अंदर पैसा होता है, वो या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मॉनिटरी पॉलिसी से, और उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो आरबीआई डिटरमाइन करती है चार फंडामेंटल से। गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में दो ही चीज बताती है कि वो खर्चा कितना करेगी और टैक्स कितना लेगी। टैक्स लेना उसका इनकम होता है, खर्चा करना उसकी एक्सपेंडिचर होती है। जो आरबीआई होती है वो लिक्विडिटी कंट्रोल करती है, उसके पास चार तरीके हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर मतलब वो कि कितना पैसा एक बैंक को आरबीआई के पास रखवाना है, एसएलआर मतलब वो कि कितना पैसा एक बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना है, रेपो रेट मतलब वो कि कितने पैसे पे एक बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले सकता है, कितने इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को लोन दे सकती है। रिवर्स रेपो रेट मतलब ये कि आरबीआई कितने परसेंट रेट पे एक बैंक से लोन ले सकती है। इन चारों का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन से। ये चारों जब गिरते हैं तो इन्फ्लेशन गिरती है, ये चारों जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए, आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आ गई। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इन्हीं चार तरीकों को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और इसी तरीके से एक कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेज होती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।